कभी भी बाइक में चैन प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो पूरा देखे। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि सुबह के भी 9 बज रहे हैं और आज अपने बाइक का सेकंड सर्विस का डेट आ गया है। ऐसे तो पूरा भी बाइक चला नहीं है, सेकंड सर्विस जो होता है 4000 या 5000 के बीच में कराया जाता है, पर अभी अपनी बाइक सिर्फ 2-3 हज़ार किलोमीटर चली है। मैं आपको मीटर से चेक कराता हूँ कितना चली है, आप लोग देख लीजिए अभी मेरी बाइक सिर्फ इतना चला है। ऐसे तो अभी टाइम है, पर क्या है कि फिर इसका जो कंपनी क्लेम वो करती है बाइक में तो और कुछ कराने नहीं, और शायद मुझे लगता है कि सेकंड सर्विस में ज़्यादा इसका चार्ज भी नहीं आता है, यही इंजन ऑयल जो होता है वो चेक करते हैं कि कितना कम है कितना नहीं है, लेवल उसका चेक करते हैं, अगर जैसे कम रहता है तो थोड़ा बढ़ा के डाल देते हैं। और बाइक में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा इसका चैन ढीला है, चैन ढीला टाइट करा देंगे, जो इसका चैन ढीला है वो टाइट करा देंगे, और कुछ खास तो इसमें दिक्कतें हैं नहीं, बाइक अभी तो एक नंबर का चल रहा है। भाई साहब अगर आप लोग चैनल पे यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अगर गाइस आप लोग के भी पास पल्सर N160 है, आप लोग के भी बाइक में चैन प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो पूरा देखे और हम जाके शोरूम में दिखाएंगे इसको कि कैसे ये ठीक होगा। देख लीजिए इसका काफी चैन ढीला है, ये देख लीजिए चैन काफी ढीला है भाई साहब, ये हाथों पे ना जाओ, हाथों पे पड़ते टाइम थोड़ा मोड़ा। जी जी भैया, धुलाई करना नहीं है क्योंकि धुलाई हम अपने आप करते हैं। गाइस यहाँ पे अपना बाइक जो था टेस्ट ड्राइव हो रहा है, सर्विस तो हो चुका है भैया, अब इसका टेस्ट लेके बस उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे अपनी बाइक जो थी सर्विस होके आ चुकी है, बस अब पॉलिश किया जा रहा है, पॉलिश करने के बाद हो जाए तो इसका बिलिंग कराते हैं, फिर टोटल बिल बताते हैं कितना बिल है हुआ है कितना नहीं। तो गाइस अपना जो बाइक था वो तो सर्विस हो चुका है, टोटल बिलिंग आया जो मेरा सेकंड सर्विस का चार्ज है वो 175 आया है, आप ये देख लीजिए यहाँ पे 175 आया है, ये देख लीजिए टोटल 175 आया है। तो ये देख लीजिए अपना टोटल चार्ज आया है 175 रुपये, 100 रुपये चेन ऑयल का है, जो चैन स्प्रे होता है 100 रुपये उसका है, और जो इसमें सेकंड चार्ज में क्या है कि ज़्यादा कुछ इसका ऑयल ऑयल चेंज होता ही नहीं, इंजन ऑयल चेंज नहीं होता है, जो रहता है उसी में पहले से अगर वो लेवल चेक करके उसी में थोड़ा सा और डाल देते हैं, तो 100 ml इन्होंने उसमें टॉप अप किया है ऑयल, उसका जो चार्ज आया है 175 रुपये आया है, देख लीजिए टोटल जो अपना चार्ज आया है 175 रुपये आया है। तो भाई साहब सेकंड सर्विस तो इसका हो गया है और बाइक एकदम पूरा फुल मक्खन चल रहा है, चल तो पहले भी अच्छा रहा था पर इस टाइम जैसे चलाने के लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, तो थोड़ा सा हम भी इसका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कैसा है, थोड़ा सा लगा के देखते हैं। और भाई आप लोग यार चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया करो मालिक, और ज़रा आप ही लोग बताओ ये कमेंट बॉक्स में बताओ भाई आप कौन कौन से भाई लोग के पास ये बाइक है पल्सर N160, अगर आप लोग को भी इस बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन चलाइए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए भाई, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। भाई सर्विस के तो भाई अच्छी बाइक चल रहा है एकदम अच्छा, पहले भी चल रहा था पर अब जैसे और ज़्यादा अच्छा लग रहा, ब्रेक व्रेक भी एकदम भाई सही है। भाई जिस हिसाब से हमने सोचा था यार सेकंड इसका जो दूसरा सर्विस चार्ज होगा महंगा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 175 रुपये में अपना सेकंड सर्विस हो गया है, और अच्छा भी लगा भाई, पैसे भी बचे हैं, और जो इसका इंजन ऑयल था वो चेंज नहीं हुआ, बस इसका लेवल देखे हैं, अगर 100 ml इंजन ऑयल इसका कम हुआ था तो उन्होंने 100 ml बढ़ा के ऑयल डाल दिया, उसी का चार्ज लिए हैं 175 रुपये, और चैन स्प्रे हुआ है 100 रुपये का तो हुआ है यहाँ पे,
और भाई यही जेल स्प्रे अगर हम लोग बाहर कराते हैं तो 40-45 रुपए में बाहर जेल पूरा साफ हो जाता है, पर भाई कंपनी वाले हैं, कब किसका दाम क्या ले लें कुछ कहा नहीं जा सकता। और भाई तो उसी का जेल स्प्रे का भाई इन्होंने चार्ज लिया है 100 रुपये, और बाहर वही चीज़ मैं 40 रुपये में करा सकता था, फिर भी मुझे एक बार देखना था कि देखे ये लोग किस तरीके से करते हैं और क्या चीज़ करते हैं। नॉर्मली था भाई, जैसे बाहर लोग करते वैसे ये भी किए हैं। अब बाइक तो एकदम तगड़ा चल रहा है, बस क्या है कि भाई सर्विस से लौटी है तो थोड़ा सा इसका ब्रेक में हल्का ब्रेक लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको भगा नहीं रहा हूँ, और जैसे चलेगा तो ब्रेक चिपकना चालू हो जाएगा। और ओवरऑल भाई सब कुछ अच्छा ही चल रहा है भाई। यार चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो यार, देखो नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, और जाओ फॉलो करो भाई, मैसेज करो, धका धक भाई रिप्लाई देता है, ऐसे भी मैं खाली बैठा हूँ आजकल दादा। भाई भागने में तो यार एक नंबर का तुरंत स्पीड बना रहा है।